आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक दो टर्म्स हैं इंटीग्रेट के अंदर मौजूद हैं, और ये दोनों टर्म्स आपस में बिल्कुल भी किसी तरह से लिंक नहीं है, इसलिए हम यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल दो फंक्शन है यू और वी, तो उसका फार्मूला है कि फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये इसका फार्मूला। तो हम इसके ऊपर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म इसमें हम कौन सी लेंगे। तो एक्स स्क्वायर हम फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे, ये जानने के बावजूद कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने से वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है डायरेक्टली, तो हमें टैन इनवर्स एक्स लेना पड़ेगा। याद रखिए, जब भी किसी भी इंटीग्रल के अंदर आपने किसी इंटीग्रल को आपने बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो अगर उसमें इनवर्स वाला फंक्शन है आपने हमेशा उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। बस ये बात जहन नशीन करें। तो टैन इनवर्स एक्स को मैं फर्स्ट टर्म ले लूँगा, एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो टैन इनवर्स एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस टैन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, एक्स क्यूब इंटू टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस ये वन बाय थ्री को बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर करना है, तो पहले हम इसको प्रॉपर कर लेते हैं डिवाइड करके। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ गया प्लस एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये वाली वैल्यू मैं इसकी जगह पुट करूँगा, तो हम इसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री। अब अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स, और ऊपर एक्स है, टू की कमी है यहाँ पर, तो मैं टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, तो वन बाय टू को बाहर डिवाइड किया और अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा इसके साथ भी, और टू एक्स हो जाएगा ये माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला एल एन नेचुरल लॉग। तो 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर बाय 2 यूजिंग द फार्मूला n प्लस 1 और n प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर आप 1 बाय 6 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फर्दर और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसलेशन हो कर सकते हैं आप। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक और हमारे पास फंक्शन है, एक एक्स है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। अब हमने इसको यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म आप एक्स लेंगे, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव लेने से वन होता है, और वन का डेरिवेटिव लेने से वो वैल्यू ख़त्म हो सकती है, तो हम फर्स्ट टर्म एक्स को ही लेंगे और सेकेंड टर्म साइन एक्स को लेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म।
साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स। तो ये इस तरह से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक और फंक्शन है हमारे पास x ln x, इसमें आप ln x को फर्स्ट फंक्शन इसलिए लेंगे बिकॉज ln x की इंटीग्रेशन आपके पास नहीं होती, इसलिए आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो दूसरी बात ये कि जब आपके पास नेचुरल लॉग होगा किसी इंटीग्रल के अंदर जिसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना चाहते हैं, आपने हमेशा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाली टर्म को फर्स्ट टर्म लेना है, जैसे मैंने इनवर्स वाली बात की थी। इसी तरह यहाँ पे प्रायोरिटी आपने एल एन एक्स को देनी है, तो फर्स्ट टर्म आपकी एल एन एक्स हो जाएगी और सेकेंड टर्म आपके पास एक्स हो जाएगी। तो एल एन एक्स और एक्स अब अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस वन बाय टू को बाहर लें, एक्स की इंटीग्रेशन ले लें, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। इस तरह से आप इस फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर लेंगे। अब अगर आपके पास इनवर्स का फंक्शन आ जाए, तो इनवर्स के फंक्शन की इंटीग्रेशन तो आपके पास होती ही नहीं, डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए इसका सलूशन ये है कि आप इस टर्म के साथ एक और टर्म अपने आप से ऐड कर लेंगे। तो मैथमेटिक्स में एक ऐसी टर्म है मल्टीप्लाई करने से उस टर्म जो उस टर्म को जिस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लें उस टर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो टर्म है वन। तो हम इसको वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये साथ अब टू टर्म्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म आप इसको ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे। फर्स्ट टर्म टेन इनवर्स एक्स को इसलिए लेंगे क्योंकि अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लेता हूँ ये सेकेंड लूँगा तो इंटीग्रेशन इसकी तो मुझे पता ही नहीं, तो फिर वही वाला इशू आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म टेन इनवर्स एक्स एज इट इज आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो वन की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, आपने डेरिवेशन में फार्मूलाज पढ़े थे, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स, यहाँ पे टू कम है तो आप टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो टू से डिवाइड कर दिया टू से मल्टीप्लाई। अब आप इसको नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। इस तरह से आप इसको यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व कर लेंगे। तो याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब भी आपके पास इनवर्स का फंक्शन आएगा और एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, प्रेफरेंस इनवर्स वाले फंक्शन को देनी है, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। इसी तरह अगर आपके पास नेचुरल लॉग का फंक्शन हो और अलजेब्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आपने प्रेफरेंस हमेशा नेचुरल लॉग वाले फंक्शन को देनी है बिकॉज डायरेक्टली आपके पास इनवर्स वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। इसी तरह नेचुरल लॉग का इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली आपके पास नहीं है, तो इसलिए इसको आप सेकेंड टर्म नहीं ले सकते,
फर्स्ट टर्म लेंगे बिकॉज इन दोनों के डेरिवेटिव आपको पता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे।